हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। हल्द्वानी के कालाडूंगी क्षेत्र में आज कांग्रेस नेता महेश शर्मा द्वारा 48 घंटों का उपवास रखा गया है, जिसमें उनका समर्थन कालाडूंगी क्षेत्र के ग्रामीणों ने किया। साथ ही कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष संजय बिष्ट ने बताया कि कांग्रेसी काल में किए गए कार्यों को बीजेपी अपने द्वारा किए गए कार्य बताते हुए उन जगहों पर बड़े पत्थर लगाकर उद्घाटन कर रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा ने बताया कि कांग्रेस अपने समय पर एक विकास सरकार कही जाती थी, लेकिन बीजेपी से कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा। साथ ही पुरानी सड़कों पर शिलान्यास का पत्थर लगाकर उनका उद्घाटन किया जा रहा है और आम जनता की समस्याओं का कोई निवारण नहीं हो रहा। आज चुनाव का समय है, जनता ये उम्मीद करती है कि चुनाव में जो 5 साल काम नहीं हुआ वो क्या पता चुनाव के दबाव में हो जाए, क्योंकि माननीय बंशीधर भगत जी का ये क्षेत्र है, उन्होंने अभी अपने घर की नहर कवरिंग का काम किया, उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं और काफ़ी प्रचार कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के शासनकाल में नहर कवरिंग हो गई थी और चौड़ीकरण के लिए भी इसमें स्वीकृत थी, लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद भी आप देख लीजिए, इसका भी फोटो बनाइए आप कि नहर कहाँ है और सड़क कहाँ है। तो 5 साल बीत जाने के बाद भी इसका चौड़ीकरण नहीं हुआ। आप देख रहे हैं, आप नीचे को जाइए, घंटों घंटों इस रोड में जाम लगता है, क्योंकि RTO ऑफिस है, गाड़ियाँ यहाँ LSS बनाने के लिए और अन्य कामों के लिए आती हैं, और घंटों घंटों जो इस क्षेत्र की जनता है उससे परेशानी को सबर करते हैं। तो हमने इससे पहले ज्ञापन दिया था PW ऑफिस में, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और भी अपनी बात टालने के लिए नगर निगम के ऊपर बात डाल दी। तो हमने इसलिए लाचार होकर के यहाँ पर 48 घंटे का उपवास रखा है और उसमें हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस रोड को कब बनाएंगे और अभी तक क्यों नहीं बना रही है। इसके साथ हमारे और भी कई अहम मुद्दे हैं, वो भी हम यहाँ पर उठाएंगे। तो अगर हमारे कामयाबी नहीं मिलती तो इसके बाद ये आंदोलन और भी आगे जाके रहेंगे। जनता आप देख रही हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि कल ही इसका आह्वान हुआ था, और जनता आज दो बातें हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया, दूसरा यह है कि जनता इस सड़क की वजह से और तमाम परेशानियों से पीड़ित है। सड़क में जो दिक्कतें आती हैं वो क्षेत्रीय जनता भुगतती है, महंगाई से जनता परेशान है, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, तेल इतना महंगा हो गया, खाद्य वस्तुएं और पदार्थ इतने महंगे हो गए, सरकार उनको रोकने में कोई दिलचस्पी भी नहीं ले रही, इसलिए जनता आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आई। जब कांग्रेस का शासनकाल था उस समय हम भी, मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, और हम लोगों के पास खुद जाते थे, जिस गली में 2 घर बन गए, 4 घर बने, 5 घर बने, वे आज वाली रोड हम बना रहे हैं, आप एक आवेदन हमें दे दो। तो ऐसे करके हमने हर बार 4-4, 5-5 किलोमीटर रोड का एक गांव के नाम से स्वीकृति लाते थे और उसके बाद भी गलियों का चयन करते थे, लेकिन आज उल्टा हो गया। जो गलियां उस समय बनी थी, 4 साल से हम धक्के खा रहे थे, जनता धक्के खा रही थी, 4-4.5 साल तक तो हमारे उत्तराखंड की सरकार सो ही रही, चाहे वो मंत्री हों, विधायक हों, मुख्यमंत्री हों। अब अभी थोड़ी सक्रियता वो दिखा रहे हैं, वो भी वो टूटी हुई सड़कों को पुनर्निर्माण के लिए, और उसमें बड़े बड़े पत्थर लगा रहे हैं उद्घाटन के। तो हमने ये सवाल 2 दिन पहले मीडिया के माध्यम से किया भी था कि जो पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं उसमें जिनने निर्माण किया उसका तो नाम है नहीं, लेकिन जिन्होंने पुनर्निर्माण कर रहे हैं, जो पैच वर्क कर रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े उद्घाटन पिलर लगे हैं। तो ये फर्क है। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।